नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी ऐसे में राजनीतिक बात करें महाराष्ट्र की, तो एकनाथ शिंदे को लेकर राहुल नार्वेकर फिर सक्रिय हो गए हैं। यानी 14 सितंबर को ऐसी खबर आई कि 14 सितंबर को राहुल नार्वेकर कुछ फैसला सुना सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या सही में राहुल नार्वेकर की वजह से जो है सरकार गिर सकती है? क्या महाराष्ट्र में फिर कुछ हलचल होने वाली है? इन्हीं सब सवालों के साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं सुभाष काले जी, सीनियर एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक। हम उनसे जानेंगे कि क्या राहुल नार्वेकर का फैसला किस तरह का हो सकता है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, 14 सितंबर यानी कल ही है? कल हियरिंग लगा है सभापति नार्वेकर जी ने। अभी सबको तो मालूम ही है कि 10 महीना सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बहस होने के बाद, मैटर मीडिया सब जगह होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या बोला कि भाई सभापति निर्णय लेगा, स्पीकर के पास, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ पहले ही तय थी और उसी हिसाब से अभी सभापति के सामने हियरिंग चालू हुआ जी। है। उद्धव ठाकरे गट ने अर्जी दी है एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो 16 आमदार है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए जी। और उसके बाद जो उनको ज्वाइन हुए 34 उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाए। और उसी हिसाब से एकनाथ शिंदे गट जो है शिवसेना उनकी, उन्होंने भी अर्जी दी है कि जो बचे हैं उधर 14 जन उनको डिस्क्वालीफाई। तो इसका मतलब दोनों तरफ से काउंटर चल रहा है। और ये नोटिस हो गई, अभी नोटिस जब सभापति के पास आती है कि भाई ऐसे ऐसे काम मुद्दे है, इस मुद्दे पर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो उनका काम रहता है हियरिंग लेना। और हियरिंग लेने के पहले उनको नोटिस देनी पड़ती है उन आमदारों को कि भाई इस पर तो आपका क्या कहना है वो लिखित स्वरूप में हमको दे दो। उस हिसाब से उन्होंने पूरे 54 आमदारों के ऊपर नोटिस दी थी। मेरे ख्याल से उसको भी अभी 3 महीने हो गए होंगे, तो सभी का स्टेटमेंट हो चुका होगा अभी। हाँ, अभी बीच में फिर अधिवेशन हुआ, ये हुआ, छुट्टियां भी पड़ी, गया, तो उसके बाद अभी सबके जवाब आ गए हैं। और जवाब आने के बाद अभी सभापति नार्वेकर उनको अभी हियरिंग देंगे। अभी कल उन्होंने सेंट्रल हॉल में सब 54 54 आमदारों को बुलाया हियरिंग के लिए। अभी मेरी ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि उनको सबको क्यों बुलाया। इसका कारण ऐसा है कि एक बार वो बोलते हैं कि मैं 1-to-1 पर्सनल हियरिंग देने वाला हूं और यहां पर तो वो सबको बुला रहे हैं, तो एक दिन में पूरे 54 लोगों को हियरिंग देना, उनकी सुनवाई करना नामुमकिन जी। तो हाँ, एक हो सकता है कि सबकी हियरिंग साथ में हो, लेकिन वो मुझे लगता नहीं है कि वो नियम को पकड़कर नहीं होगा, वो नियम के खिलाफ होगा। तो अगर उनको हियरिंग देनी है तो मैक्सिमम एक कर सकते हैं कि एक गुट की हियरिंग ले सकते हैं साथ में, लेकिन पूरे 54 लोगों की एक साथ हियरिंग हो नहीं सकती। एक्चुअली तो हियरिंग 1-to-1 होनी चाहिए, जो उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं 1-to-1 हियरिंग लेने वाला हूँ। और अगर 1-to-1 हियरिंग होती है तो ये कल से जो शुरू होगा वो कम से कम 1-1.5 महीना चलेगा। तो कल क्या होगा फिर? कल कुछ नहीं होगा, सब तो यही जानना चाहते हैं कल क्या होगा। कल यानी 14 सितंबर क्या होगा? कल हियरिंग की शुरुआत होगी जी। और उसके जो प्रोसीजर है हियरिंग शुरू करने की, वो हियरिंग शुरू करने की प्रोसीजर का जो मामला रहता है उतना ही होगा। एक्चुअली हर आमदार को, उनको अगर टाइम देना है तो उनको हर आमदार को तारीख देनी पड़ेगी और उस तारीख को उनको बुलाना पड़ेगा और उस तारीख को उनको उनको सुनवाई देनी पड़ेगी। कल जो लोग ऐसे, मतलब पत्रकार हो या मीडिया हो या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल सुनवाई होगी और परसों फैसला होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये हियरिंग कम से कम और 1-1.5 महीना चलेगी और उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। अभी तो हियरिंग है, देखो जैसे कोर्ट में मामला चलता है तो हियरिंग होती है और हियरिंग के बाद फिर वकीलों की आर्ग्यूमेंट होती है और उसके बाद जजमेंट होता है जी। तो यहाँ पे अभी तो हियरिंग की शुरुआत है और हियरिंग की शुरुआत कम से कम मेरे हिसाब से 1-2 महीना चली और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हो गए और उसके बाद फैसला आएगा। तो मेरे हिसाब से कल जो लोग बहुत अपेक्षा में है कि कुछ होगा,
बम फटेगा वगैरह, मतलब कल कोई बम फटने वाला नहीं। सर हियरिंग में क्या होगा, क्या पूछताछ होगी, कुछ इंक्वायरी होगी, कुछ जांच पड़ताल होगी, विधायकों से क्या पूछा जाएगा? देखो क्या है, सब जो मेन मुद्दा जो है जी, तो एक विप निकाला था एकनाथ शिंदे के गठ के तरफ से और एक विप उनकी तरफ से, उनकी तरफ से। इसमें विप का फैसला काफी मान ये है क्या? तो अभी जो विप जो निकाला है जी उद्धव ठाकरे के, विप कौन सा मान्य होगा सर? उद्धव ठाकरे के विप मान्य होगा? मैं बोल रहा हूँ उसी में मैं बोल रहा हूँ कि जो विप है, दोनों ने अपने अपने विप निकाले। इनका कहना है हमारा विप सही है और उन्होंने नहीं माना इसके लिए उनको डिस्क्वालीफाई करो, इनका कहना हमारा विप सही है उन्होंने नहीं माना इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करो। डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन एकनाथ शिंदे से लेके आदित्य ठाकरे तक सबके खिलाफ है जी, सबके खिलाफ है। तो ये सभापति को ये फैसला करना पड़ेगा। अहम बात इसमें ये है कि किसका विप सही है और किसका विप गलत है। गलत है अगर उद्धव ठाकरे गट का विप अगर हम मानते हैं कि नहीं वो विप सही था तो ये लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जी, और अगर एकनाथ शिंदे गट का विप सही मानते हैं तो वो 14 लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए ये पूरा जो मामला है वो विप के ऊपर है। सर ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एकनाथ शिंदे अपने कुछ लोग विधायकों को लेके सूरत सूरत से गुवाहाटी जब गए तो क्या उस समय विप जारी किया गया था? देखो क्योंकि उस समय जो विप था वो तो मान्य करना ही पड़ेगा सरकार। दूसरा ऐसा रहता है नारेवकर को विप क्यों निकाला जी, कारण क्या है? भाई सभागृह में वोटिंग करना है, सभागृह में अटेंडेंस कंपलसरी है, ऐसा कुछ था उस समय? क्या था मतलब जो एक वो जो इलेक्शन थी उस टाइम अगर आपको याद होगा विधान परिषद की इलेक्शन हुई और वहां से वो सीधे सूरत चले गए जी, तो विप कब निकला और किस लिए निकला? वो भी उनका विप जो निकला था उन्होंने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई आमदारों की और वो मीटिंग में ये लोग नहीं आए इसलिए उनके खिलाफ एक्शन जी। इस सभा गृह में असेंबली में भाई उन्होंने विप मान नहीं माना और कुछ उल्टा किया, आए नहीं, इसीलिए ये एक बात है इनका इनका कहना है। और इनका सिमिलरली ऐसा ही कहना कि इन्होंने जो विप निकाला वो उन्होंने नहीं माना। तो सबसे अहम बात क्या होती है कि ये जो विप है, इलेक्शन कमीशन तो ऑलरेडी फैसला दे दिया है कि सही सेना शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है और उनका गुट है। अभी सवाल ये होता है कि जो विप उद्धव ठाकरे गट जिसके ऊपर जोर लगा रहा है कि भाई हमारा ये विप नहीं माना, तो वो विप जो दिया हुआ है वो सही दिया है? उस वक्त क्या शिवसेना एक थी और क्या वो विप इन लोगों को लागू होना जरूरी है, और क्या विप न मानने से क्या डिस्क्वालिफिकेशन करना जरूरी है? एक तो ये विप जो दिया जी, क्या उस वक्त सेना एक थी, आप क्या मानते हैं? हाँ नहीं नहीं थी? मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। एक तो क्या उस जब ये विप दिया था उद्धव ठाकरे गट के मेरे ख्याल से क्या नाम उनका प्रभु उनके जो ये थे, क्या वो सही था? नंबर एक। नंबर दो, क्या विप इन लोगों ने नहीं माना? अगर वो सही है तो क्या इन्होंने नहीं माना? और अगर ये नहीं माना तो क्या इस न मानने की वजह से क्या डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है क्या? ऐसे तीन मुद्दे हैं। तो पहला तो विप का फैसला होगा जी कि ये विप किसका सही है, किसका सही किसका गलत, और उसके बाद फिर विप मानना नहीं मानना और उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन जैसी स्टेप लेना ऑर्डर देना, ये बात की बात। सर आप भी कानून के जानकार हैं, आप भी सीनियर वकील हैं, आप क्या मानते हैं? आपके पास अगर ये मैटर आता, आप अगर राहुल नार्वेकर की जगह पे होते तो विप किसका मान्य आप करते आप? मैंने जैसे बताया कि अभी तक फैक्ट्स और जो एविडेंस जो बोला जाता है मतलब हियरिंग जो है, और हियरिंग में और मुद्दे निकलेंगे उसमें से मैंने जैसे बताया अहम मुद्दा दोनों पार्टियों को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जब विप निकला था तब शिवसेना एक थी, मतलब मेन उद्धव ठाकरे गट को कि शिवसेना उस टाइम एक थी और हमारा विप उन लोगों पे लागू होता है। अभी जब एक बार वो चले गए जो 16 और बाद में और पका अभी तो 40 के ऊपर आमदार है शिंदे जी के साथ, तो वो उनका डे वन से कहना है कि हम शिवसेना है तो हम आप कौन है हमको विप देने वाला? अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे
का एक पहले दिन से यह कहना है कि अभी मैं मेरे पास जो है वही सही सोल्यूशन है और उसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर भी मोहर लगा दिए, तो इसका मतलब यही होता है कि जो व्हिप निकला है जी वो उद्धव ठाकरे के गढ़ से जो निकला है वो इनके ऊपर लागू होना मुश्किल मुश्किल है। इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन होना स्पेशली एकनाथ शिंदे गढ़ के आमदारों का मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पर कुल मिला जुला के जो कल का दिन है इतना इम्पोर्टेंट ना समझा जाए, क्योंकि मामला जो है लंबा खींचा नहीं है, लंबाई चलते रहेगा। देखो इनको रिजल्ट जल्दी चाहिए, किसको? उद्धव ठाकरे को। जो ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है रिजल्ट क्या आएगा, उनको भी पता है अगर कानून तो उनके पास भी बड़ी टीम है ना वकीलों की जी। उनको जल्दी क्यों चाहिए? क्या कि उनको सुप्रीम कोर्ट भागना है? हो जैसे ही नार्वेकर जी का फैसला आएगा, जब वो फैसला आएगा कि नहीं ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए और उनकी बहस उनकी लड़ाई उनको ये सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए है। इसीलिए तो अभी भी पिटीशन फाइल किया उन्होंने कि नार्वेकर जल्दी तो सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी फैसला था ही, वहां से ही तो आया है, वहां से तो अब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट? फिर से जाएंगे, चले सुप्रीम कोर्ट में मैटर चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा सभापति ने जो निर्णय लिया है वो यहाँ पे चैलेंज नहीं हो सकता, मतलब तब कहाँ जाएंगे? तब कुछ नहीं जा सकते, इलेक्शन एकमात्र विकल्प है, तब तक इंतजार करें। 2024 के अक्टूबर तक रुकना है, रुकना पड़ेगा, तब तक इंतजार करें, फैसला जनता की अदालत में होगा। बहुत सही कहा आपने, तो फैसला जनता की अदालत ही करेगी। कल का दिन जो है कोई मान्य नहीं होगा, यानी जो उनका फॉर्मेलिटी है वही होगा और यह मुद्दा जो है काफी लंबा चल सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आपकी भी कोई सुझाव होगा तो हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, जय हिंद। जय।